पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच कब कहाँ और प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। देखिए बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। ओवरऑल ये बड़ी सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए। लास्ट टाइम पाकिस्तानी टीम 2-0 से हारी बांग्लादेश के हाथों और शायद वो बदला लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे पाकिस्तानी टीम में ओपनिंग करेंगे लेफ्ट हैंडेड हार्ड हिटर साया मयूब, इनका साथ देंगे राइट हैंडेड टैलेंटेड बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक। वन डाउन पोजीशन पे एक दफ़ा फिर कप्तान होंगे शान मसूद, जबकि चौथे नंबर पे बाबर आजम खेलेंगे। इसी तरह पाँचवें नंबर पे सऊद शकील खेलेंगे और साथ ही छठे नंबर पे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान खेलेंगे। सातवें नंबर पे यहाँ पे सलमान अली आगा खेलेंगे और आठवें नंबर पे ऑलराउंडर यहाँ पे आमिर जमाल होंगे, जबकि नौवें नंबर पे फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी होंगे, जबकि दसवें नंबर पे फास्ट बॉलर नसीम शाह होंगे, ग्यारहवें नंबर पे यहाँ पे स्पिनर अबरार अहमद होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो जो बेंच पे खिलाड़ी बैठेंगे वो सरफराज अहमद होंगे, इसके अलावा फास्ट बॉलर मीर हमज़ा होंगे और साथ साथ पाकिस्तान के यंग टैलेंटेड बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा होंगे और स्पिनर के तौर पे नुमान अली बेंच पे बैठे होंगे आपके। सो आपका जो स्क्वाड है उसमें नुमान अली को शामिल किया गया है एक्स्ट्रा, सरफराज अहमद एक्स्ट्रा शामिल है यहाँ पे और साथ साथ मोहम्मद हुरैरा बाहर बैठेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो आमिर जमाल को प्लेइंग 11 में डाला जाएगा जबकि मीर हमज़ा को बेंच किया जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये पाकिस्तान के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुल्तान में 7 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर को ये पहला टेस्ट मैच होगा जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। थैंक्स।